न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। बूंद बूंद पानी का संघर्ष, एक बूंद के लिए कड़कती धूप में चलते लोग। आजादी के 75 साल, लेकिन अभी तक नहीं मिलता पानी। पानसीमल तहसील मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर पानसीमल जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत वांगरा में स्थित चोटिया पानी में भीषण गर्मी के बीच पेयजल का संकट बढ़ गया है। ग्रामीण जन नाले में स्थित एक छोटे से जीरे से निकलने वाले पानी पर निर्भर है। खबर में देख सकते हैं कि एक बाल्टी पानी के लिए रहवासियों को कितनी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के रहवासी परिवार जल्दी उठकर पानी भरने के लिए जीरे पर पहुंच जाते हैं और जीरे के पानी पर ही निर्भर है। साथ ही उनके पालतू पशुओं के पीने के पानी की पूर्ति भी वहीं से होती है। ग्रामीणों द्वारा स्थिति की शीघ्र सुधार करने की मांग की है। समस्या के निराकरण की जानकारी लेने पर सरपंच मोंटा खेड़कर ने बताया कि ग्रामवासियों की समस्या को देखते हुए हैंडपंप के लिए ठहराव प्रस्ताव बनाया गया है और पीएचई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से भी चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में पानी की अहमियत इस प्रकार के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों से ज्यादा कौन जान सकता है। एक और ग्रामीणों को समस्या के निराकरण की आस बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को इंतजार बना हुआ है। फिलहाल ग्रामीण इस हाल में रहने को मजबूर है। शासन प्रशासन जन प्रतिनिधियों द्वारा क्या प्रयास किया जाता है या देखने वाली बात होगी। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सतीश केवट जुड़ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत वांगरा के ग्राम चोटिया पानी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक झीरे के पानी से लगभग 20 परिवार पानी की पूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर एक या दो हैंडपंप अगर होते हैं तो इनकी पानी की समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और वो क्या चाहते हैं। मेरा नाम शांतिलाल है और पानी के लेकर हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हमारे इस छोटा सा खड्डे देखे हैं आपने, तो उसी खड्डे से हमले सब मतलब कम से कम 30-40 मकान है और उसमें से सब पानी इधर से लेके जाते सर, और जानवर भी कम से कम एक एक घर में 10-10 या 15-15 गाय बकरे सब मिला के कुल समझ ले 20 से ऊपर ही है एक घर में, और उनको जानवर को पिलाने के लिए सर पानी यहीं से लेते और हम लोग भी खुद यहीं से पीते सर। और पानी भरने अगर सुबह सुबह 9 से 9:30 तक आया पानी भरना तो ठीक मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता सर पानी। इतनी हमारी परेशानी बहुत सारी है सर, तो हमारी निवेदन है कि हमारी कोई भी हमारी बात सुने और हमारा काम पूरा करे, और हेडपम्प हमारे ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि पानी इस खड्डे में तो ज़्यादा टिकता नहीं सर, आपने भी तो देखी है। और दूसरी बात हमारी ये है कि एक रोड की भी समस्या है सर, हमने सब बाहर गया, गुजरात गया, किधर गया काम करके, एक एक 1000 रुपये फावा किया सर ने, उसने हमने सब मिल के बनवा रहे रास्ता सर, और हमारी तो कोई एक नहीं दो नहीं सुन रहे सर, हमने कितने बार आवेदन दे के थक गए हैं, तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है सर। मेरा नाम प्रभु वास्कले, ग्राम चिंडिया कुंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे को भी बोलते कि पानी की समस्या है, मोंटा सरपंच को भी बोला मैं, तो मोंटा सरपंच बोले देख लेंगे, उनको भी बोला, उनको भी लाके बताया, फिर वो भी सुना ही नहीं। क्या चाहते हैं ग्रामीण यहाँ के? यहाँ के मेरे को बोलते ना वो, और हेडपम्प पाने सा पानी की बहुत दिक्कत है, पर वो बोल यार मेरे को बोलना पड़ तो सुनता नहीं। सर हमको पानी के विस्तार बहुत तकलीफ है, बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, यहीं कहीं स्कूल भी नहीं है सर, इसलिए हमारा बहुत परेशान है, इसलिए ये पानी का विस्तार है हमारा, और हमारे ये स्कूल के विस्तार है पूरा, फिर राशन नहीं मिलता है कहीं नहीं है, ये सर हमारे यही प्रोग्राम है हमारा। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? हमारे यहाँ 20 परिवार यहाँ झोपड़ी वाले रहते हैं सर। और पानी के कितने साधन है यहाँ पर? पानी का साधन कहीं कहीं नहीं सर, कहीं नहीं, कुआ इतना है सर।